इसके बाद अब बात करते हैं चीन और भारत के बीच सीमा विवाद की खबर की। दूसरों की सीमा में घुसपैठ करने और उनकी जमीन पर कब्जा करने वाला चीन भारत के साथ समझौते की मेज पर पहुंच गया है। कल से रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले भारत चीन सीमा विवाद पर बड़ी खबर आई है। भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में कमी आ सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्त्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समझौते की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते कुछ समय से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन दोनों की तरफ से LAC पर भारी संख्या में सेना की तैनाती की गई है। हाल में हुए समझौते से दोनों देशों की सेना विवादित क्षेत्र से पीछे हटी है। इससे आखिरकार उन मुद्दों का समाधान हो रहा है जो इन क्षेत्रों में साल 2020 से सामने आए हैं। समझौते पर अभी विस्तृत जानकारी नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध खत्म करने को लेकर सहमति बनी है। देपसांग और देमचौक पर डिसएंगेजमेंट होगा, यानी दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी पोजीशन में जाएंगी और साथ ही यहां पेट्रोलिंग शुरू होगी। लेकिन अब भी इसे जमीन पर कैसे लागू करना है, इसे लेकर बातचीत चल रही है। इसमें डिसएंगेजमेंट और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के नियम तय होंगे। एक बार सुनिए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने क्या कहा। अग्रीमेंट हैज बीन अराइव्ड एट ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज लीडिंग टू डिसएंगेजमेंट एंड ए रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज दैट हैड अरिजन इन दीज एरियाज इन 2020 and we will be taking the next steps on this. आप सुन रहे थे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को। अब समझिए कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल देपसांग में जिन जगहों पर भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, उनमें से कई जगहों पर चीनी सैनिक आकर बैठ गए, जिस वजह से वहां भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रुक गई। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी उन जगहों पर अपनी तैनाती कर दी, जिससे कुछ पॉइंट्स पर चीन के सैनिकों की पेट्रोलिंग भी ब्लॉक हुई है। नेमचौक में जहां चीन ने उन जगहों पर नए टेंट लगाए जहां पहले उसके टेंट नहीं थे। चीन कहता है कि ये उसके चरवाहों के टेंट हैं, लेकिन भारत का कहना है कि ये चीनी सैनिक हैं जो सिविल ड्रेस में वहां मौजूद हैं। 2020 अप्रैल से पहले जिन एरिया में टेंट नहीं थे, ये उन इलाकों में लगे हैं। उसके जवाब में भारतीय सेना ने भी वहां अपने टेंट लगाए और अब लगभग दोनों आमने सामने हैं। दो साल पहले पेंगोंग एरिया यानी फिंगर एरिया और गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से डिसएंगेजमेंट हुआ, फिर गोग्रा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से सैनिक हटे और फिर हॉट स्प्रिंग्स एरिया से में PP-15 से यहां भी अभी बफर जोन बने हैं। उनमें ना तो भारत के सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ना ही चीन के सैनिक। फिलहाल इन पेट्रोलिंग पॉइंट पर भी फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर बातचीत चल रही है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि चीन के साथ भारत के हालात स्थिर हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है, काफी संवेदनशील हैं। चीन के साथ हमें लड़ना भी है, सहयोग करना है, साथ रहना है, सामना करना है और चुनौती भी देनी है। उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच अप्रैल से अब तक कमांडर लेवल की 17 बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12 सितंबर को स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में एक समिट के दौरान कहा था कि चीन के साथ विवाद का 75% हिस्सा हल कर लिया गया है, लेकिन सीमा पर बढ़ते सैन्यकरण का मुद्दा अब भी गंभीर है। It is a success of our persistence that we need to resolve the issues on the border before other things are addressed. And I think the Chinese seem to have understood that we mean. As you are aware, 25th and 26th, that is the next week, Prime Minister Modi and President Xi are meeting in China. Now, why this development? Because there is a lot of trade and other clearances which the Chinese need from Indian side. The investments are held up and China wants to make a foothold in India.